Uh, dear friends, uh, welcome to video lecture series on surveying and geomatics. Uh, today uh, we are here with uh, lesson number 6 and that is all about global positioning system. In the uh, lecture, we what are the various applications of uh, remote sensing and in the uh, various ways uh, the data collected by the remote sensing sensors that we can use for various applications. Now, while all these collecting the data, one important data is also collected, and that is about the location of the object or the any feature which is related to any particular location. So here in the location, जो अलग-अलग हमारे अर्थ के सरफेस पे जो अलग-अलग जगह है, वहाँ पे अलग-अलग चीजों की जानकारी इकट्ठा करते समय, हर समय हम लोग वहाँ जानकारी किस जगह से आई है, इसका भी डाटा हम लोग सेंस करते हैं या पता करते हैं जैसे कि किसी भी जगह का स्थान हम लोग लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और अल्टीट्यूड ये सारी चीज़ें वह वस्तु या वह जो ऑब्जेक्ट या वह फीचर ज़मीन पे है ज़मीन के नीचे है ज़मीन के हवा में है या कहाँ पर है और इसी प्रकार से हमारे पूरे थ्री स्पेस में भी किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन हम लोग पता कर पाते हैं एंड दैट इज़ द टेक्नोलॉजी दैट इज असिस्टिंग ऑफ ऑल डूइंग दिस थिंग दैट इज जी पी एस सो यहाँ पर हम लोग ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए जब रिमोट सेंसिंग से डाटा कलेक्ट करते हैं तो जो स्पेशल डाटा है यानी जियो स्पेशल जो डाटा है लोकेशन रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है दैट इन्फॉर्मेशन वी आर कलेक्टिंग सो इन दिस लेसन आज के हम लेसन नंबर सिक्स में वॉट इज जी पी एस और फिर आने वाले लेक्चर में और जानकारी उसके बारे में हम लोग पता करेंगे सो हियर एज यू नो दैट जी पी एस स्टैंड फॉर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम पूरे ग्लोब के अराउंड में हमारी किसी भी वस्तु का जो पोजिशन है उसको जान उसको जानने वाली या उसको बताने वाली या वो जगह को आइडेंटिफाई करने वाली जो सिस्टम है दैट इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम विच एज क्रिएटेड बाय द यू एस डिपार्टमेंट ऑफ द डिफेंस फॉर द नेविगेशन ऑफ द मिलिट्री एज ए पार्ट ऑफ वर्ल्ड अंडर सरकमडनस तो सबसे पहले अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई और किसी भी चीज़ को लोकेट करने के लिए कौन सी भी चीज़ कहाँ है यहाँ पर मिलिट्री पर्पस के लिए इस टेक्नोलॉजी का निर्माण शुरुआत हुआ बट विद द टाइम दिस सिस्टम इज नाउ बीइंग यूज फॉर मेनी अदर पर्पजेस अभी तो कई जगह पे हम लोग जीपीएस ये कई जगह पे इनबिल्ट आ चुका है और हम लोग उस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं जी पी एस सिस्टम हैज प्रूव टू बी द रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी इन द टुडेज वर्ल्ड नाउ यू कैन सी दैट हमारे पास में जो आज मोबाइल गैजेट है वहां पर भी उसके अंदर भी एक जी पी एस का फंक्शन इनबिल्ट होता है और जो हमें हमारा लोकेशन पता करता है और इसी की वजह से जो सिंपल एप्लीकेशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं दैट इज गूगल मैप और गूगल डायरेक्शन तो यहाँ पे जी पी एस ऑन करके यदि आप किसी कार से ट्रैवल करते हो तो आपको जो लोकेशन आपको बताया गया है हम लोग जब लोकेशन शेयर करते हैं तो अक्षांश रेखांश तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और अल्टीट्यूड ये जानकारी हम लोग हमारे स्थान की पता कर सकते हैं एंड ऑल दैट इज एनेबल्ड विद द हेल्प ऑफ जी पी एस सो हियर देर आर सेवरल एडवांटेजेस ऑफ़ जी पी एस इन द प्रेजेंट एंड इन द कॉन्ट्रास्ट टू दैट देर आर सम डिसएडवांटेज ऑफ दिस ऑल्सो तो हम लोग इस बारे में इस लेक्चर में जी पी एस के बारे में सभी चीज़ें यहाँ पर देखने वाले हैं

जरूरी लगता था और फिर इस इसके कामों के लिए फिर ये टेक्नोलॉजी को अलग अलग प्रकार से डेवलप किया गया सो सम सम्लिकेशन दैट मेक द यूज ऑफ जी आर द गार्मिट्स एंड गूगल मैप एंड मोबाइल ऐप कुछ ऐप है हमारे यहाँ पर हम लोग हमारे फोटोग्राफ के साथ में ही उसका पूरा लोकेशन का डाटा अपने आप से फोटोग्राफ कर सकते हैं या इसी प्रकार से गार्मिन के जो हैंडसेट्स है जीपीएस पी हैंडसेट्स करके आते हैं सो दैट यू कैन यूज फॉर वेरियस नेविगेशन पर्पजेज एंड एज आई हैव सेड गूगल मैप हम लोग तो कभी काफी सारे लोग अभी इस्तेमाल करते हैं मोबाइल के जरिए तो ये गूगल मैप भी जो इसको असिस्ट जो करने वाले इन सारे एप्लीकेशन को उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी काम कर रही है वो टेक्नोलॉजी है हमारी जी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम नाउ जी पी एस सैटेलाइट्स आर मेंटेन बाय द एयरफोर्स एंड कैन बी यूज बाय एनीबडी तो ये आज कॉमन टेक्नोलॉजी हो चुकी है पहले इसका मिलिट्री पर्पज के लिए इस्तेमाल हुआ और यूएस डिपार्टमेंट में कई सारे अमेरिका में कई सारे सैटेलाइट्स इस काम के लिए छोड़े गए और इन सैटेलाइट के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को बराबर उसका लोकेशन पता करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू हुआ तो सैटेलाइट जो है ये रिमोट सेंसिंग द्वारा किसी भी वस्तु का लोकेशन पता करते हैं और वो लोकेशन ग्राउंड स्टेशन को पता बताते हैं और उसके बाद में फिर वो कंप्यूटर सर्वर के ऊपर उस डाटा को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और इस प्रकार से ये जो टेक्नोलॉजी है इसके बारे में हम लोग जानकारी इस लेक्चर में देखने वाले हैं अभी हम लोग इसका यदि इम्पोर्टेंस <coughs> देखते हैं तो समय के साथ में अभी जीपीएस का इम्पोर्टेंस काफी बढ़ चुका है सबसे पहले जॉन हैरिसन ने 1693 और 1776 में इस कंसेप्ट को लाया कि जहाँ पे टाइम हैज़ बीन द लिमिटिंग फैक्टर फॉर द लॉट ऑफ साइंसेस एंड इंक्लूडिंग द साइंस ऑफ पोजिशनिंग जब हम लोग शिप से कहीं पे जगह जाते हैं एक जगह एक, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं तो शिप के ऊपर जो क्लॉक है उस क्लॉक को हम लोग सिंक्रोनाइज नहीं कर पाते थे इसलिए जो जिस कंट्री में हम जा रहे हैं वहाँ का लोकल टाइम हमें पता नहीं चलता था क्योंकि वो जो शिप वो जो क्लॉक है वो इस प्रकार से बनी हुई थी कि वो आपको जो आपका स्थानिक टाइम है उस प्रकार से आपने उसको कैलिब्रेट करके बनाया था और फिर जब हम लोग ऐसे शिप से बड़े बड़े दूर अंतर पे जाते हैं अनेक देशों में जाते हैं और फिर वहाँ का लोकल टाइम यदि हमको पता करना है या फिर हमको ट्रैवलिंग को कितना टाइम लगा या कितना समय हमको आने वाले स्थान पे पहुंचने के लिए लगेगा इसको यदि पता करना है तो उसके लिए सबसे पहले जॉन हैरिसन ने प्रयत्न किया और फिर वहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसी क्लॉक को बनाने का आ, काम हाथ में लिया सो बेटर एक्यूरेसी रिक्वायर्स द बेटर क्लॉक और ये बेटर क्लॉक बनाने के लिए सबसे पहले इन्होंने शुरुआत की और फिर ये जो शिप्स एंड क्लॉक्स है इसको कैसे हम लोग सिंक्रोनाइज़ कर सकते ऐसी क्लॉक बना सकती कि जो क्लॉक लोकल टाइम पे हम लोग वहाँ पर जाके कैलिब्रेट कर सके ताकि वो दूर देशों में जाने के बाद में भी वहां का लोकल टाइम हमको बताए तो जहां पे हमने बनाया उसको उस क्लॉक को उसके साथ में उसके वहां का जो समय है उसके हिसाब से आपने उसको कैलिब्रेट किया तो हमें पता है कि अर्थ के अलग अलग लोकेशन पे हमारा टाइमिंग जो है वो अलग अलग बदलता है और इसको हमने फिर ग्रीनविच जो टाइम है हमारा उसके हिसाब से हमने कितना आगे और कितना पीछे इसको हमने आज हमने कैलिब्रेट कर चुके हैं हम लोग लेकिन उस समय ये सारी चीज़ें नहीं थी और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर जीपीएस का विचार शुरू हुआ और आज हम लोग इस जीपीएस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं यदि हम लोग आज की बात करेंगे तो कई सारे टेक्नोलॉजी का रिवोल्यूशन हमने आज कर दिए है और इसके अंदर फिर सैटेलाइट्स का सबसे बड़ा रोल है यहाँ पर हम लोग एटोमिक क्लॉक्स हम लोग बना चुके हैं जो जहाँ पे हम लोग कुछ कार्ड्स मटेरियल का यूज़ करते हैं तो एक्यूरेट टाइम दिखाने के लिए हम लोग एटोमिक क्लॉक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि नैनो सेकंड तक भी एक्यूरेसी हम हमारे क्लॉक के अंदर मेजर करने के लिए बना सके और ये टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन के साथ में हमारे साथ में कई सारी माइक्रोचिप्स है जहाँ पे हम लोग कुछ कई सारा डाटा मेमोरी में सेव कर सकते हैं उसका इस्तेमाल हम लोग और हमारे कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए हम लोग कर सकते हैं और उसके जरिए कुछ प्रोसेसर भी हम लोग वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोग्राम का प्रोसेसिंग कर सकते हैं और कुछ कैलकुलेशन द्वारा जो हमारा प्रॉब्लम है कि हम लोग टाइम को कैसे सिंक्रोनाइज़ कर पाए पृथ्वी के अलग अलग स्थान पर और इस काम के लिए फिर ये जीपीएस टेक्नोलॉजी का आज तो कई पैमाने पे इस्तेमाल होता है हमने इसके पहले भी देखा जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अलग अलग वेव्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसी प्रकार से यहाँ पर भी रेडियो बिकॉन और इस प्रकार के और ऐसे कई सारे माइक्रोवेव ट्रांसमिशन सिस्टम्स बने और इसके वजह से आज हमारे ग्राउंड बेस्ड स्टेशन के ऊपर ऐसे कई स्टेशन है कि जो हमारे सैटेलाइट से डाटा रिसीव करते हैं और उसको फिर सर्वर में अलग अलग सर्वर में बराबर सिंक्रोनाइज़ किया जाता है और आज हम लोग पृथ्वी के हर एक किसी भी स्थान का जो एक्यूरेट लोकेशन है वो हम लोग पता कर सकते हैं और यही काम जो है ये हमारे आज के टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन द्वारा हुआ है और उसी का नतीजा है कि आज हम लोग जी टेक्नोलॉजी कॉमनली इस्तेमाल करते हैं यानी सामान्य जो जनता है उसके हाथ में जो गैजेट है आज उसमें भी जीपीएस का इस्तेमाल आसानी से होता है और हम लोग तो आप तो व्हाट्सएप के जरिए भी हम लोग, हम लोग हमारा लोकेशन शेयर करते तो लोकेशन में जो डाटा होता है वो क्या है लॉन्गट्यूड लैटीट्यूड अल्टीट्यूड आप कहाँ पर है आपके मैप के हिसाब से उसका लोकेशन आप दूसरों को भेज सकते और ये सारी जो फैसिलिटी हमें मिल रही है वो नतीजा है हमारे जी का अब यहाँ पे सबसे पहले जी के लिए फिर क्या किया गया तो हमारे पृथ्वी के आसपास में ऐसे कुछ सैटेलाइट्स हमारे छोड़े गए सो so, ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट पुट द सैटेलाइट इन टू ऑर्बिट एंड फर्स्ट सैटेलाइट वॉर लॉन्च इन नाइन इस काम के लिए सैटेलाइट छोड़े गए और ट्वेंटी फोर सैटेलाइट आर देयर इन द मिड नाइनटीन आज पृथ्वी के आसपास में सिर्फ टाइम टाइम सिंक्रोनाइजेशन के लिए जीपीएस सिस्टम का फंक्शनिंग करने के हिसाब से 24 सैटेलाइट हमारे पृथ्वी के आसपास में ऑर्बिट में घूम रहे हैं 28 एट आर करंटली इन द ऑर्बिट विद मोर मोर आर कमिंग सो ए फंडामेंटल चेंज इन द हाउ पोजिशनिंग इज डन एंड वॉट जी पी एस हैज चेंज ये हम लोग आने वाले लेक्चर में देखने वाले हैं तो सबसे पहले तो ये सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने की वजह से हम लोग पृथ्वी के सब जगह पे ध्यान दे सकते हैं कहाँ पर क्या है इसको भी जान सकते हैं पृथ्वी का रोटेशन कैसे हो रहा है उसको भी हम लोग देख पाते हैं और इसी प्रकार से फिर उसी का टाइम के साथ में सिंक्रोनाइजेशन करके आज हमारे पास में सुपर कंप्यूटर है और कई सारे माइक्रोचिप्स के प्रोसेसर ऐसे हैं कि हम लोग कई सारा मैथमेटिकल डाटा उसको प्रोसेस कर सकते हैं और हमारा टाइम का या समय का या स्थान का जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी एक्यूरेटली कर सकते हैं और इसके लिए ही हमें ये जी सिस्टम का मुख्यत्व काम पड़ता है यहाँ पर हम लोग जी रिसीवर की बात करेंगे तो आपने जैसा मोबाइल गैजेट आने से पहले इस प्रकार के ऐसा एक पेजर या फिर इस प्रकार के जीपीएस हैंडसेट्स आते हैं और ये जीपीएस हैंडसेट जो है इसको हमें पहले बैटरी uh, पावर लगती है इसको हम लोग ऑन कर सकते हैं ऑन करने के बाद में ये जो रिसीवर है ये रिसीवर डायरेक्ट सैटेलाइट के साथ में कॉम्युनिकेट करता है जो मैंने इसके पहले स्लाइड्स uh, में आपको बताया कि ये जो सैटेलाइट है चौबीस सैटेलाइट या अट्ठावी अभी जो ऑर्बिट में है इसका हमने इस प्रकार से ऑर्बिट बनाया है कि आप पृथ्वी के किसी भी स्थान पर चले जाइए तो आप किसी भी चार सैटेलाइट आपको देख रहे होंगे मैं जहां पे खड़ा हूं मुझे तो एट ए टाइम चार सैटेलाइट तो मुझे देख रहे ही होंगे घूमते घूमते दूसरा सैटेलाइट बदल गया तब तक तीसरा सैटेलाइट कोई ना कोई और एक पांचवा सैटेलाइट आपके इस ऊपर रहेगा ही तो आज ऐसे सैटेलाइट का ऑर्बिट का नेटवर्क हमने खड़ा कर दिया है कि आप पृथ्वी पर कहीं भी चले जाओ तो आपको एट ए टाइम कम से कम मिनिमम फोर सैटेलाइट्स आपको देख रहे होंगे और वो सैटेलाइट आपके स्थान की निश्चिति करने के लिए सिंक्रोनाइजेशन में काम करते हैं और उस प्रकार से उस सैटेलाइट से हमारी दूरी ऐसा हर एक सैटेलाइट अपनी अपनी दूरी गिनता है और उससे हम लोग हमारा जो स्थान है उसका जो एक्यूरेट लॉन्गिट्यूड लैटीट्यूड अल्टीट्यूड जो है वो हम लोग पता कर पाते हैं और ये सारा कैसे होता है ये भी हम लोग आज के लेक्चर में देखने वाले हैं तो यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात है कि ऐसे हमको सेटेलाइट जी पी हैंडसेट्स जो है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं या फिर हम लोग ऐसे स्टैंड पे खड़े खड़े करने वाले भी जी स्टेशंस इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके जरिए हम लोग अलग अलग काम कर सकते सो so ये जो ये जो ये जो सारा काम है ये सारा काम कैसे होता है ये भी हम लोग जानेंगे तो यहाँ अलग अलग टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन करके ही जीपीएस को बनाया गया है तो कॉम्पिटेशनल टेक्नोलॉजी हमारे पास में माइक्रोचिप है हमारे पास हमारे पास मेमोरी है हमारे पास में रिमोट सेंसिंग का डाटा भी है और ये सारों का कॉम्बिनेशन करके हम लोग ये सारी सुविधाएं जो है ये डायरेक्ट सैटेलाइट द्वारा पहुँचा रहे हैं तो जब भी हम लोग जी ऑन करते हैं मतलब हमारा जो सैटेलाइट्स है उससे हमारा सिंक्रोनाइजेशन होता है हमारे जीपीएस हैंडसेट से और फिर हम लोग किसी रास्ते को ट्रैक कर सकते हैं किसी लोकेशन को मार्क कर सकते हैं और कई सारे जगहों के डिस्टेंसेस भी हम लोग सिर्फ़ जी हैंडसेट लेके आपको चलना है तो हम लोग पता कर सकते हैं और आज तो कई सारे ऐसे मोबाइल ऐप्स आ चुके हैं कि जो हमें जी हैंडसेट के बजाय जी का ही पूरा फंक्शनलिटी हमको ऐप के जरिए भी हमारे मोबाइल में हमें मिल जाता है <coughs> तो ये सारी जो एडवांसमेंट है एडवांसमेंट होने का क्या है तो हमारे पृथ्वी के आसपास में हमारे जो सैटेलाइट घूम रहे हैं तो यहाँ पे हर समय एक सैटेलाइट अपना काम बराबर कर रहा है और ऐसे चार सैटेलाइट कम से कम आपको एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं अब साथ में आपकी अर्थ भी रोटेट हो रही है आप देखिए सो तो अर्थ भी रोटेट हो रही है और उसके अराउंड हमारे सैटेलाइट भी रोटेट हो रहे हैं तो इन सैटेलाइट का ऑर्बिट हमने इस तरह से तय कर लिया कि आप किसी भी लोकेशन पे यदि है तो आपको कम से कम चार या पाँच सैटेलाइट आपको देख रहे होंगे और आपको यदि आपने आपके हैंडसेट पर का जीपीएस ऑन कर दिया तो वो आपके साथ में आप कनेक्टिविटी बना के आपका डिस्टेंस या आपका दूरी आपका लोकेशन जो है ये पता करेंगे तो ये जो ट्वेंटी फोर ऑपरेशनल सैटेलाइट्स है ये हमारे बारह आवर्स वाले ऑर्बिट है यानी ये के अर्थ के अराउंड गंट, बारह घंटे बारह घंटे में एक रिवोल्यूशन बराबर कर रहे हैं तो इसके लिए फिर वो हमें कंटिन्यूस वॉच कर सकते हैं ग्यारह हजार माइल्स के ऊपर में इसका लोकेशन है अलग अलग सैटेलाइट का अर्थात अलग, अलग अलग जगह पे उसको हाइट के ऑर्बिट में उसको सेट कर दिया गया है और ये सारे सैटेलाइट्स के अंदर ऑटोमिक क्लॉक है यानी जो एक्यूरेट टाइम को गिनती है तो ऑटोमिक क्लॉक का इस्तेमाल करके सैटेलाइट पर हम लोग डिस्टेंस मेजरमेंट का जो काम है वो सेंसर द्वारा कर रहे हैं और वो जो डाटा है फिर वो डाटा ग्राउंड <coughs> <ground coughs> ग्राउंड स्टेशन के पास में आता है और ग्राउंड स्टेशन से फिर हम लोग सर्वर के जरिए इंटरनेट के जरिए या फिर हैंडसेट के जरिए मोबाइल नेटवर्क के जरिए हमारे तक वो पहुंचता है और इस प्रकार से एटॉमिक क्लॉक का जो है जहां पे उसका ऑसिलेशन ऑफ द सिंगल एटम इज डिटरमाइंड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द टाइम सो ये फंक्शनलिटी हम लोग एटॉमिक क्लॉक की इस्तेमाल कर रहे हैं और ये जो सारा एटॉमिक क्लॉक है ये भी सारे सिंक्रोनाइज है यानी हर एक सैटेलाइट की जो क्लॉक है वो एक साथ में बराबर सिंक्रोनाइज कर रही है तो सैटेलाइट का लोकेशन भी बदल रहा है तो उसके हिसाब से वो जो क्लाक है वो भी अपने आप को बराबर कैलिब्रेट करके सिंक्रोनाइज कर लेती है हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम का जो भी कैलकुलेशन है उसके हिसाब से और इसी के हिसाब से फिर इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हम लोग समझ सकते हैं कि हमारा लोकेशन पृथ्वी पर या फिर कहाँ पर किस जगह पर है अब ये करने के लिए <coughs> सैटेलाइट सेंड्स द डाटा टू तो द अर्थ विच आर पिकअप बाय द रिसीवर तो ये जो डाटा भेजा गया वो हमारे अर्थ स्टेशन पे आता है रिसीवर ने जो भेजा डाटा है यानी रिसीवर मैं लेके खड़ा हूँ मेरा भेजा हुआ जो लोकेशन का डाटा है सैटेलाइट ने कैप्चर किया और सैटेलाइट ने उसको ग्राउंड स्टेशन पे हमारे पास भेजा सो सिग्नल्स अराइव एट द डिफरेंट टाइम इंटरवल बेस्ड ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द सैटेलाइट अब जो हमारे हैंडसेट पर भी जो सिग्नल आ रहे हैं तो जितने ज़्यादा दूर सैटेलाइट होगा उसके हिसाब से वो उतने टाइम के हिसाब से जो सिग्नल है वो सिग्नल मेरे हैंडसेट में आएगा अब ये जो सिग्नल है सो रिसीवर नीड्स टू डिटरमाइन द डिस्टेंस टू द फोर सैटेलाइट जीपीएस टेक्नोलॉजी के अंदर मैंने आपको जैसे ही बताया कि आपका लोकेशन पता करने के लिए चार सैटेलाइट का मिनिमम इस्तेमाल होता है तो यहां पे क्या है कि जो तीन सैटेलाइट्स है ये हमारे थ्री डायमेंशनल ऑप्शन निकाल लेते हैं बराबर कि थ्री डायमेंशनल लोकेशन हमारा कहा है कहाँ है यानी एक्स वाई और जेड और इसके हिसाब से फिर आपका एक्चुअली वहाँ पर लोकेशन क्या है उसको पता करने के लिए चौथा सैटेलाइट भी आपके साथ में काम करता है और इस प्रकार से चार सैटेलाइट के द्वारा हम किसी भी वस्तु का जो लोकेशन है वो हम लोग पता कर पाते तो यहाँ पे आप ऐसा देखेंगे कि जैसा ये एक सैटेलाइट ये दूसरा सेटेलाइट तीसरा सैटेलाइट और चौथा सैटेलाइट तो यदि ये सैटेलाइट यहाँ पर है तो इसका एक ऐसी रेंज बन रही है तो ये सर्कल जो आपको दिख रहा है बड़ा वाला ये इस सैटेलाइट का है ये जो सैटेलाइट है ये सैटेलाइट और एक ऐसा दूसरा सर्कल बना रहा है इसके रेंज में यानी आप ये दोनों सैटेलाइट के रेंज में है तो आपका लोकेशन ये हो गया लेकिन ये यहाँ से तीसरा सैटेलाइट भी आपको इस सर्कल के द्वारा डिटेक्ट कर रहा है तो आपका ये लोकेशन हो गया और इसके अलावा फिर और एक चौथा सैटेलाइट है जो आपको और एक्यूरेट कर रहा है तो इस प्रकार से हर एक सैटेलाइट की जो रेंज है उसकी उसका जो स्पीयर बन चुका है उस चारों चारों स्पीयर यानी चारों सैटेलाइट के जो चार स्पियर है ये चार स्पीयर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं वो वो जो पॉइंट है वो यानी आपका लोकेशन है तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट से हर एक सैटेलाइट की दूरी जो है ये डिस्टेंस जो है ये अपने आप से बराबर जो टेक्नोलॉजी है सेंसर टेक्नोलॉजी वो आपका कैलिब्रेट कर लेती है तो इस प्रकार से किसी भी पॉइंट को या किसी भी लोकेशन को जहाँ पे यहाँ पे शिप है तो इस शिप को चार सैटेलाइट ने एक बार कैलिब्रेट कर लिया तो आपका लोकेशन क्या है वो एग्जैक्ट पता चल जाएगा तो इस प्रकार से ये जो पोजीशन है ये चार सैटेलाइट के जो स्पीयर है उसका इंटरसेक्शन से पता कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे अब यहाँ पे जो डिस्टेंस हमको पता करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है तो सैटेलाइट के द्वारा जो डिस्टेंस कैलिब्रेट होता है तो वहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टाइम ये वाला फार्मूला हम सभी को मालूम है यहाँ पे सो so, स्पीड जो है यहाँ पर स्पीड ऑफ द लाइट हम लोग उसको कंसिडर करते हैं तो जो सिग्नल आ रहे हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल हो रहे हैं जो सैटेलाइट से सिग्नल आ रहे हैं हमारे जीपीएस रिसीवर के पास में जीपीएस रिसीवर से सैटेलाइट के पास में जा रहे हैं तो हमें स्पीड पता है स्पीड ऑफ द लाइट दैट इज कांस्टेंट ये हमको पता है अब इसके वजह से ये स्पीड और हमारे जो टाइम पता चल गया तो हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है सैटेलाइट से कितना है वो हम लोग एक्यूरेटली पता कर पाते अब ये टाइम हमें पता करना है सो जी पी एर रिसीवर क्लाक बिकम सिंक्रोनाइज टू द कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम बाई ट्रैकिंग द फोर मोर सेटेलाइट्स तो सबसे पहले तो हमारे जी पी एस रिसीवर जो है ना वो चालू करने के बाद में चार सेटेलाइट के साथ में कोई भी जो भी चार या पाँच उसके रेंज में दिखेंगे उनके साथ में पहले कनेक्ट होता है और कनेक्ट होकर खुद को कैलिवेट करता है और जी पी एस रिसीवर का जो टाइम है फिर हमारे यूनिवर्सल टाइम के हिसाब से ऑटोमेटिक सिंग्रोनाइज कर लेता है तो इस प्रकार के फंक्शनटी प्रोग्राम उसके अंदर ऑलरेडी होते हैं सो ईच सेटेलाइट ट्रांसमिट्स ए यूनिक सुडोरेंडम कोड एट द एक्सट्रीमली प्रिसाइस टाइम इंटरवल अब ये जो जीपीएस रिसीवर है उसके अंदर भी एक जानकारी ऐसी रखी गई है कि जो ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स है ये कौन से सैटेलाइट्स कितने कितने टाइम इंटरवल से सिग्नल भेज रहे हैं तो ऑलरेडी ये जो हर एक सैटेलाइट अपना अपना अलग से एक कोड भेज रहा है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद में तो कौन सा सैटेलाइट कौन से टाइम इंटरवल पे कौन सा कोड भेज रहा है इसकी जानकारी भी ऑलरेडी हमारे जीपीएस रिसीवर के अंदर डाटा उसके मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही उसके अंदर सेव होती है अब इस वजह से जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो सिग्नल्स जो भी सिग्नल आया सैटेलाइट से उसको जीपीएस रिसीवर मैच कर लेता है और फिर उसको पता चल जाता है कि ये कौन से सिग्नल से आ रहा है और ये जो सिग्नल है उस सैटेलाइट ने कितने समय से वहां पर से छोड़ा तो जो टाइम है वहां से सैटेलाइट ने जो सिग्नल वहां से रिलीज किया और वो सिग्नल हमारे रिसीवर तक कौन से समय में पहुंचा तो स्टार्ट टाइम और एंड टाइम ये ऑटोमेटिक वो जीपीएस रिसीवर उस डाटा से कंपेयर करके पता कर लेता है तो इससे हमें रिसीवर नोज द ईच सैटेलाइट सुडो रैंडम कोड एंड वेन दे आर सेंड ये उसे पहले से पता होता है ये कब कौन से कौन से समय पे ये सारे कोड छोड़े जाने वाले हैं तो स्टार्ट टाइम भी पता होता है रिसीवर को और जब सिग्नल रिसीव होता है तो एंड टाइम यानी जब रिसीव हो गया सिग्नल वो भी टाइम हमारे जी रिसीवर में पता हो जाता है सो रिसीवर डिटरमाइंस द टाइम डिले इट टेक्स टू मैच द एक्सपेक्टेड सेटेलाइट सुडो रैंडम कोड विद द रिसीवर सुडो रैंडम कोड तो हमें लाइट की स्पीड मालूम है तो हमें पता है कि इतने बजे वहाँ से छोड़ा तो उतने स्पीड से वो यहाँ पर आना चाहिए सिग्नल लेकिन वो सिग्नल थोड़ा लेट आता है तो जो डिफरेंस आ गया टाइम के अंदर वो जो है यानी उतना टाइम आपको लगा वहाँ से यहाँ तक आने के लिए तो इस प्रकार से ये जो टाइम है ये जो टाइम डिले है यानी सिग्नल कितने बजे छोड़ा इसका टाइम हमको पहले प्री डिसाइडेड है लेकिन वो वाला सिग्नल रिसीवर पे कितने बजे रिसीव हुआ ये भी हमें पता चला यानी फिर वहाँ से वहाँ का सैटेलाइट का टाइम सिंक्रोनाइज है सिंह यूनिवर्सल सिंक्रोनिक्स टाइम है और हमारा टाइम यहाँ का लोकल टाइम है तो वहाँ से यहाँ तक का जो टाइम डिले हो गया वो टाइम डिले रिसीवर पता कर लेता है जब टाइम डिले पता चल गया तो हमें टाइम पता चल गया कि वहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगता है और फिर वो जो टाइम है स्पीड इनटू टाइम हम लोग कर लेंगे तो हमारा लोकेशन उस सैटेलाइट से कितना है ये उस सैटेलाइट को पता चल जाता है या हमारे रिसीवर को भी पता चल जाता है और इसी प्रकार से चार सैटेलाइट फिर हमारे रिसीवर से कनेक्टेड है और उससे हमारा एग्जैक्ट लोकेशन यानी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड ये हम लोग कैलिब्रेट कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं अब इस प्रकार का जो भी हम लोग ये टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें कई सारे एरर भी आ सकते हैं तो यहाँ पे हमें जी के अंदर कौन से कौन से सोर्सेज ऑफ एरर है तो सबसे पहला है द स्पीड ऑफ द लाइट इज ओनली कॉन्स्टेंट इन द वैक्यूम लेकिन जो सिग्नल आ रहा है लाइट के स्पीड से वो स्पीड हमारे एटमोस्फेयर में से आ रहा है सो so, एटमोस्फेयर में जो uh, <coughs> चार्ज पार्टिकल्स हैं इन द आइनोस्फियर इसके वजह से उसकी जो स्पीड ऑफ द लाइट है वो कम ज़्यादा हो सकती है अलग अलग सिग्नल के लिए एंड सिमिलरली वाटर मॉलिकल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द टोपोस्फियर तो जब एटमोस्फियर से ये जो वेव्स आती है सैटेलाइट द्वारा जीपीएस रिसीवर तक उसके अंदर कुछ स्पीड कम ज़्यादा हो सकती है तो ये एक चांस है हमारा जो हम लोग टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं डिले कैलकुलेट कर रहे हैं या डिस्टेंस हम लोग पता कर रहे हैं उसमें हमारा ये जो स्पीड ऑफ द लाइट है ये कम ज्यादा या फ्लक्चुएट हो सकती है तो ये एक सोर्स है हमारे एरर की जीपीएस के अंदर देन एफीमेरिक एरर्स आर देयर सो हियर द एरर दैट अफेक्ट्स द सैटेलाइट्स ऑर्बिट इसको हम लोग बोलते हैं एफीमेरिस यानी सैटेलाइट का जो ऑर्बिट है वो प्री डिसाइडेड है जो हमने हमारे प्लानिंग के हिसाब से सैटेलाइट को ऑर्बिट में स्थित किया है और वो बराबर -बर, पृथ्वी भी घूम रही है उसके साथ में वो सैटेलाइट भी बराबर -बर, बराबर गोल गोल घूम रहा है और वो सैटेलाइट ऑर्बिट में हमारे बराबर घूम रहा है लेकिन उसका जो तय जो पाथ है मार्ग है जो सैटेलाइट जिस मार्ग से घूमना चाहिए ऑर्बिट से घूमना चाहिए उस ऑर्बिट में भी कभी कभी फ्लक्चुएशन आ सकते हैं क्योंकि जो हमने प्लानिंग किया वाला ऑर्बिट है वो तो हवा में स्पेस में इमेजिनेशन में है और उसी के ऊपर हरा भर हमारा सैटेलाइट घूम रहा है लेकिन यहाँ पे बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड मून एंड अदर प्रेशर कॉजेज द सोलर रेडिएशन और उसके वजह से हमारा जो ऑर्बिट है सोलर का जो सैटेलाइट घूमने का उसके अंदर भी बदलाव आ सकता है यानी सैटेलाइट जिस कैलिब्रेशन से हमने सैटेलाइट के अंदर वो जो साइन टाइम और सूडो कोड छोड़ने का जो टाइमिंग वगैरह सब कैलिब्रेट करके रखा है उसके अंदर बदलाव आ सकता है तो जो डिसाइडेड प्री डिसाइडेड ऑर्बिट है वो यदि सैटेलाइट ने फॉलो नहीं किया तो ये हमारी एफीमेरिक जो एरर है ये आ सकती है सो एरर इज़ मॉनिटर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड द ब्रॉडकास्टे टू द जी पी एस सैटेलाइट तो आज तो हमको ये पता है कि इस प्रकार की ऐसे जो ग्रेविटेशनल पुल है इसके अंदर बदलाव आने से यदि सेटेलाइट का ऑर्बिट में कुछ अपने आप से वेरिएशन आ रहा है तो वो भी वेरिएशन हम लोग आज सिस्टम द्वारा पता कर लेते हैं और उतना एरर का करेक्शन हम लोग सैटेलाइट को भी भेज सकते हैं ताकि सैटेलाइट खुद का डाटा जो है वो अपने आप से कैलिट कर ले और मल्टीपल पाथ एरर ये भी आ सकता है सो हियर टाइमिंग एरर फ्रॉम द सिग्नल बाउंस ऑफ ऑफ द रिजेक्टेड ऑब्जेक्ट एज ए बिल्डिंग आर माउंटेन्स सो दिस कैन बी रिड्यूस बाय सिंगल रिजेक्शन टेक्निक तो ये भी हो सकता है अब यदि मैं यहाँ पर रिसीवर लेके खड़ा हूँ लेकिन मैं रिसीवर लेके ऐसा घूम रहा मूविंग ऑब्जेक्ट है मेरा तो उसके वजह से या फिर अर्थ के ऊपर भी जो ऑब्जेक्ट है वो भी अर्थ भी घूम रही है तो उसके वजह से रिसीवर के पास से जो भी सिग्नल जा रहे हैं सेटेलाइट को वो मल्टी सिग्नल जा रहे हैं वो अलग 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 बार मल्टीपाथ से जा रहे हैं तो उसमें से फिर नेम का कौन सा सिग्नल जो हमने कंसिडर करना चाहिए उसके लिए भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा तो ये मल्टीपाथ एरर भी हमारे जी के अंदर आ सकती है सो ऑल दीज एरर्स नाउ अ डेज वी आर हैविंग ए कॉम्पिटिशनल टेक्नोलॉजी सो वी कैन कैलिब्रेट ऑल दिस कैलकुलेट ऑल दिस एरर्स एंड वी कैन अप्लाई द सिस्टमेटिक करेक्शन फॉर ऑल दिस अब इसके अंदर एक तरीका है कि ये सारे एरर कम करने के लिए हम लोग डी का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं सो हियर डी जी पी एस इट्स कॉल्ड एज डिफरेंशियल जी पी एस डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम तो इसके अंदर ये बेसिक आइडिया है कि यूज नोन लोकेशन एज ए रेफरेंस लोकेशन तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि अर्थ के ऊपर से ऑलरेडी हमारे वेल well डिफाइंड सभी ऑब्जेक्ट के लोकेशन हमें पता है तो उसका जो रेफरेंस लोकेशन हमने कुछ बना दिया है ग्राउंड स्टेशन के ऊपर और उसका लोकेशन हमको एग्जैक्टली एक्यूरेटली कैलकुलेट करके हमको पता है अब ये एग्जैक्ट पोजिशन इज नोन बाय कंपेयरिंग टू द लोकेशन डिटरमाइंड बाय द जी अब ये एग्जैक्ट पोजिशन हो गई कि उसका रेफरेंस हमारे डाटा में हम लोग सेव कर रखते हैं देन वी हैव द एरर करेक्शन डाटा बाय यूजिंग द डिफरेंस ऑफ द एग्जैक्ट लोकेशन एंड दीपीएस डिटर लोकेशन अब मैं यदि डी का इस्तेमाल करता हूं तो मेरे स्थान का जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो ऑलरेडी सिस्टम के अंदर इनपुट किया हुआ है और जब मैं यहां पर रिसीवर से जीपीएस के साथ में कनेक्ट होता हूं तो मेरा जो लोकेशन है वो लोकेशन और जो ऑलरेडी सेव्ड वाला एग्जैक्ट लोकेशन है इसके अंदर क्या डिफरेंस है ये पता करने से भी हमारे कैलकुलेशन में कितनी एरर आ रही है ये भी हम लोग पता करते हैं तो डिफरेंशियल जीपीएस द्वारा हम लोग एरर करेक्शन का जो डाटा है वो जनरेट करते हैं और वो डाटा के हिसाब से फिर हमारा जो लोकेशन है उसको करेक्शन करने के लिए हम लोग कुछ सिग्नल भेज के जी का लोकेशन हम लोग करेक्ट करते हैं तो ये सारी चीज़ें भी पैरल में हो रही है सो so, डी का इस्तेमाल करके भी हम लोग जो एरर करेक्शन है वो कैलकुलेट करके उस प्रकार का एरर करेक्शन का डाटा जनरेट कर सकते हैं और वो जी हैंडसेट को भेज के आपका जो लोकेशन है उसके हिसाब से करेक्ट करके एक्यूरेट करने की कोशिश हम लोग करते हैं सो हियर द ब्रॉडकास्ट एरर करेक्शन डाटा टू द लोकल जीपीएस पी एस रिसीवर्स या ये पता चल गया तो यहाँ पे जो रिसीवर्स है ये 200 किलोमीटर तक का, का काम करते हैं तो डीजीपीएस जी का इस्तेमाल हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि जो हमारा डीजीपीएस है ये स्टेशनरी रहेगा एक जगह पे ट्राईपॉड के ऊपर आप डीजीपीएस को खड़ा कर दो और हैंडसेट जो है वो हमारे अलग जगह पर रखो और आपका डी जो है वो सेटेलाइट से भी कनेक्ट होगा आपका रिसीवर भी सैटेलाइट से कनेक्टेड होगा और इस प्रकार से डी आपका डिफरेंशियल एरर डाटा जनरेट करेगा वो सैटेलाइट को भेजेगा और उसके साथ में सेटेलाइट आपको करेक्टेड डाटा भेजेगा और वो जो करेक्टेड डाटा है उसके हिसाब से आपका जो रिसीवर है जो डी से कनेक्टेड है वो आपका एरर करेक्शन का डाटा का इस्तेमाल करके आपका जो लोकेशन है वो एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करेगा और उस करेक्ट लोकेशन को हम लोग फिर हमारे जीपीएस रिसीवर में हैंडसेट में सेव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग डीजीपीएस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके द्वारा हम लोग हमारा एरर करेक्शन जो है जीपीएस कैलकुलेशन का वो हम लोग बना कर सकते हैं इसी के अलावा फिर एरर करेक्शन की और एक सिस्टम है जिसे कहा जाता है डब्ल्यू ए एस वैस अब ये वाइड एरिया ऑगोमेंटेशन सिस्टम ये सबसे पहले इसका इस्तेमाल होना शुरू हो गया यहाँ पर इसका छोटा सा एग्जाम्पल बोलो दो डी जी पी जो है हम वो लोकल यूज करते हैं डीजीपीएस हम लोग ये लोकल यूज करते हैं यानी मैं मेरे ट्राईपॉड पर डीजीपीएस रख के फिर रिसीवर मेरा अलग अलग जगह पर रहेगा वो रिसीवर मेरे डीजीपीएस से कनेक्टेड रहेगा और डीजीपीएस मेरा सेटेलाइट से कनेक्टेड रहेगा और इस प्रकार से मैं जी पी का इस्तेमाल कर सकता हूँ तो ये लोकल के लिए हो गया लेकिन हमको बड़े एरिया में यदि इस प्रकार का एरर करेक्शन करना है तो जैसा डी की रेंज 200 किलोमीटर है तो मैं 200 किलोमीटर के रेंज में ही मेरा रिसीवर लेके घूम सकता हूँ और वहाँ का डाटा एर डाटा कलेक्शन करके मेरा लोकेशन को करेक्शन करा के एक्चुअल डी जी लोकेशन पता कर सकता हूँ लेकिन यदि बड़े एरिया में इसको करना है तो उसके लिए फिर हमने वाइड एरिया ऑगोमेंटेड सिस्टम का ईजाद किया है तो यहाँ पर दिस वॉज डेवलप बाय द फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन एफ एंड इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज एस बी ए एस सेटेलाइट बेस ऑगोमेंटेशन सिस्टम तो यहाँ पे जो अलग अलग लोकेशन ऐसे बनाए गए इट यूजेस ए नेटवर्क ऑफ द ग्राउंड बेस्ट स्टेशन तो जैसा लोकली डीजी हम लोग रख रहे हैं उस प्रकार से ग्राउंड बेस्ट स्टेशन हमने नॉर्थ अमेरिका और हवाई में बना दिए है तो इसका एक नेटवर्क बनाया है ये एक से कनेक्टेड है और वो सैटेलाइट से भी कनेक्टेड है तो जो रेफरेंस पॉइंट है और एरर डाटा जनरेशन का जो काम है ये वाले सैटेलाइट्स उसको काम कर रहे हैं सो बिकॉज ऑफ दैट इट मेजर्स द वेरिएशन इन द सैटेलाइट सिग्नल इनका सिर्फ काम इतना ही है ग्राउंड बेस्ट स्टेशन का कि जो सैटेलाइट सिग्नल में जो वेरिएशन आ रहा है उसको कैलिब्रेट उसको पता करना और उस पर से एरर डाटा जनरेट करना सो दे मेजर्स द वेरिएशन इन द सैटेलाइट सिग्नल्स रिलेज द एरर टू द जियो स्टेशनरी वैस सेटेलाइट्स तो ये जियो स्टेशनरी वैस सेटेलाइट भी हमारे ऑर्बिट में अलग से हमारे घूम रहे हैं उसको भी ये सारा जो एरर जो डाटा है वो वहाँ पर भेजा जा जाता है एंड इट यूजेज टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द डाटा और वो जो ये वैस वाले जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ये सैटेलाइट फिर हमारे जीपीएस वाले सैटेलाइट जो है उसको वो एयर डाटा ट्रांसमिट तार तार करते हैं तो जो हमारा सैटेलाइट है वो वैस वाले सैटेलाइट से कम्युनिकेट करता है और जो उसको लोकेशन या जी का कैलकुलेशन किया उसको कैलिब्रेट करके करेक्ट करवा लेता है और फिर हमारे रिसीवर को वो डाटा भेजता है तो इस प्रकार से वैस सिस्टम जो है ये भी एक एरर करेक्शन सिस्टम हमने अभी एस्टेब्लिश कर दिया है तो इस प्रकार से हम लोग अभी तो कहीं और दूसरी भी कंट्रीज है ये जो वैस वाली सिस्टम है ये यूएस ने पहले शुरू की तो अभी इंडिपेंडेंट सिस्टम्स आर सिस्टम इन द यूरोप इन द एशिया एंड इन इंडिया ऑल्सो तो हम लोग हमारे खुद के जियो स्टेशनरी सैटेलाइट छोड़ रहे हैं जो सिर्फ हमारे जीपीएस के एरर कैलकुलेशन का, का काम करेगा और करेक्शन के लिए एरर डाटा जनरेट करेगा और वो हमारे लोकल सैटेलाइट को जो हमारे जीपीएस के सैटेलाइट से उनको भेजेगा और उसके द्वारा हमारे जी के लोकेशन जो जो हमें हैंडसेट्स के द्वारा मिल रहे हैं उसको एक्यूरेटली कैलिब्रेट करके डिस्प्ले करने के लिए हमें पूरा कॉम्पिटिशनल टेक्नोलॉजी और जो सपोर्ट है वो हमको देंगे तो इस प्रकार से अलग अलग देशों में ये सारा एरर करेक्शन का काम भी हो रहा है तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो जी है यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ग्लोब के ऊपर आपकी पोजिशन कहाँ है यानी किस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड और अल्टीट्यूड पर आप पृथ्वी पर है ये यदि हमको पता करना है तो उसके लिए हम लोग ये सैटेलाइट का नेटवर्क और हमारा सैटेलाइट रिसीवर्स जी रिसीवर्स ये इस्तेमाल करके हम लोग पता कर सकते हैं अब ये इसका जो इस्तेमाल है जैसा कि हमने इसके पहले भी देखा जो वेरियस अप्लीकेशन हमने देखे रिमोट सेंसिंग के तो इसमें भी इसका बड़े पैमाने पर यूज होता है सो तो कई ऐसे सारे एरियाज है हम लोग अगले लेक्चर में इसको देखेंगे जहां पे हम लोग एरोस्पेस के लिए ऑटोमोटिव के लिए मिलिट्री पर्पस के लिए सिविलियन पर्पस के लिए जिसके अंदर हम लोग रिक्रिएशन और आगोमेंटेड रियलिटी इसके लिए काम कर सकते हैं और ऐसी कई बड़ी लिस्ट है कि जी का हम लोग आज इस्तेमाल करते हैं कई जगह पे तो हमें पता भी नहीं है कि यहाँ पे जी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं करके इतना कॉमन यूज आज जी uh, टेक्नोलॉजी का हो चुका है अब ये जो टेक्नोलॉजी है हम लोग आज का लेसन समाप्त करने के पहले थोड़ा सा देखेंगे कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द जी सो हियर यू कैन सी दैट जी पी एस हैज़ ए फास्ट स्पीड लोकेशन पता करने के लिए हम लोग जो uh, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे लोकेशन के लिए इसका स्पीड एकदम ज़बरदस्त है जी का इट इज़ यूज फॉर द नेविगेशन सो इट लीड्स यू टू द राइट डायरेक्शन हम लोग आज तो कॉमनली हमारे नेविगेशन के अंदर हमारे कार के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं कि आप गूगल मैप के ऊपर डायरेक्शन लगा दो तो आपको वहाँ से नेविगेट करने के लिए जी जो है वो आपको हेल्प करेगा सो दैट इज़ वेरी यूजफुल डाटा पहले के ज़माने में रास्ता पता करने के लिए हमको कई बार किसी किसी को पूछना पड़ता था और हम लोग भटक सकते थे और आज वो चीज़ नहीं हो रही है कि आप टू व्हीलर पे फोर व्हीलर पे भी मोबाइल के ऊपर गूगल मैप द्वारा जीपीएस का इस्तेमाल कर सकते हो और नेविगेशन के लिए आसानी से आप जीपीएस लोकेशन यदि आपको पता है तो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे आप एक्यूरेटली समय के साथ में बराबर पहुंच सकते हो सो इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग द मैपिंग स्किल इसका दूसरा सबसे उपयोग हमें हो रहा है कि जो हम लोग नक्शे बना रहे हैं तो मैनुअल मेथड से जो हमने इसके पहले भी अलग अलग सर्वेइंग की मेथड्स देखी उनका इस्तेमाल करके यदि हम लोग सर्वे का डाटा कलेक्ट करते हैं और उससे फिर हम लोग हमारे मैप बनाते हैं तो उस मैप में भी एरर हो सकते हैं लेकिन आज जीपीएस के वजह से आप हर एक ऑब्जेक्ट का लोकेशन यदि पता कर लेते हो और वो लोकेशन का इस्तेमाल करके हम लोग मैप को एक्यूरेटली बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते तो जो मैप मैंने बनाया वहाँ पर बिल्डिंग बराबर वही है कि नहीं है पेड़ वहाँ पर है कि नहीं है ये हम लोग जी पी लोकेशन भी लोकेशन से भी उसको कन्फर्म कर सकते मैप के अंदर तो इस प्रकार से किसी भी ऑब्जेक्ट के जो स्थान है लोकेशन जो है उसको एक्यूरेटली मैप के अंदर हमने दर्शाया कि नहीं दिखाया तो वो जांचने के लिए भी हम लोग जीपीएस का इस्तेमाल कर सकते हैं तो इसको मैपिंग स्किल को हमारे इंप्रूव करता है जीपीएस टेक्नोलॉजी सिमिलरली इट मेक्स द नेविगेशन इजियर ये भी मैंने आपको बताया कि जैसा मैपिंग uh, स्किल में और एक ये है कि जो हमने कार्टोसैट वाले रेंज हमने सैटेलाइट की छोड़ी है तो वहां पे तो पूरा कार्टोग्राफी की वजह से आपका एक्स वाई जेड और uh, आपका एक्यूरेट लोकेशन जो है ये पता करने के लिए ही सैटेलाइट पर्टिकुलरली काम करते सो यू कैन बी फाउंड ईजियर इफ इट यू आर इन डेंजर और इन एक्सीडेंट ये भी जी के द्वारा हो सकता है यदि आपके पास में जी पी एस हैंडसेट है अभी तो मोबाइल हैंडसेट आ गए इसके पहले बेल्ट वाले भी जी रिसीवर आते हैं यदि वो आपने लगा लिए तो जो माउंट एवरेस्ट पे जाने वाले लोग हैं वो अपने साथ में जीपीएस रिसीवर लेके जाते हैं ताकि उनका जो लोकेशन है वो कंटिन्यूसली ग्राउंड स्टेशन से मॉनिटर होते रहता है कि अब आप, आप कहाँ तक पहुँचे करके तो ये भी है कि भाई आपको किसी डेंजर में आप एक्सीडेंट में ना फंस जाए तो इसके लिए आपके पास जी रिसीवर यदि है तो आपको तुरंत आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि आप किस लोकेशन पर वहाँ पर है अर्थात लेकिन इसके लिए आपका जीपीएस रिसीवर जो है वो शुरू रहना चाहिए यू कैन प्लग इन टू यूअर कार ये भी आपको पता चल गया अभी जीपीएस टेक्नोलॉजी हम लोग आसानी से कार में कार के अंदर या ऐसा कॉमनली यूज कर सकते यू आर सर्च नियर बाय एरिया जीपीएस लोकेशन की वजह से हम लोग कई सारे ऐसे सर्चिंग लोकेशन को सर्च कर सकते हैं कि जहाँ पे हमें जाना है तो जो गूगल मैप का इस्तेमाल हम लोग आज कर रहे हैं वो क्या है तो जीपीएस टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग किसी भी चीज को ऑब्जेक्ट को लोकेशन को सर्च कर सकते और फिर वहां तक जाने के लिए जो नेविगेशन का रास्ता है शॉर्टेस्ट रूट है ये सारा हम लोग पता कर सकते हैं और इसी प्रकार से ये जो हमारा इसी प्रकार से हम लोग हमारा ये जो जीपीएस है इसका हम लोग यहां पर इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे कई सारे ऐसे एप्लीकेशन्स है वो हम लोग आगे आने वाले इसमें देखने वाले हैं तो यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे थे वो हम लोग आज अभी लोकेशन कैसे पता करते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमने कुछ एडवांटेजेस देखे जीपीएस के कि वाटर नेविगेशन के लिए भी हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते इसी प्रकार से कई सारे ऐसे जी के एडवांटेजेस है जिसके लिए जी सिस्टम आज काफ़ी सारी पॉपुलर हो चुकी है सो so, GPS is extremely इज एक्सट्रीमली इजी टू नेविगेट एज इट that यू दैट व्हाट इज़ and डायरेक्शन एंड फॉर ईच टर्न यू टेक और यू हैव टू टेक रीच टू द डेस्टिनेशन तो आपका पूरा पता यहाँ से चल जाता है जीपीएस के की वजह से आप कहाँ पर गए थे कैसे गए थे कितने रास्ते से गए थे कितना टाइम लिया वो भी सारी चीज़ें जो है आपके नेविगेशन के साथ में रिकॉर्ड हो जाती है तो उसके वजह से हमारा जो फ्यूचर लोगों के लिए जो डाटा जनरेट करना है या उनको जो हेल्प प्रोवाइड करनी है जो उनको सर्च प्रोवाइड करना है उसके लिए भी यहां पर इंफॉर्मेशन जनरेट होती है जीपीएस वर्क्स इन ऑल वेदर ये सबसे बड़ा एडवांटेज है जीपीएस का कि आपका जीपीएस जो है ये किसी भी सिचुएशन में काम करता है बारिश के दिनों में भी, भी क्योंकि सैटेलाइट के सिग्नल द्वारा आपका सारा काम यहां पर चल रहा है सो यू नीड टू यू डिड नॉट टू वरी फॉर द क्लाइमेट इन ऑर्डर टू नेविगेशन ऑफ द डिवाइसेज आप कहीं भी चले जाओ तो आपको ये नेविगेशन के लिए बराबर हेल्प करेगा सो दैट इज द मोस्ट एडवांटेज ऑफ द जीपीएस द जीपीएस कॉस्ट यू वेरी लो इन कंपेरिजन अदर नेविगेशन सिस्टम यदि हम लोग नक्शा या मैनुअल नक्शा या ऐसा कुछ इस्तेमाल करते हैं तो उसके कंपेरिजन में जीपीएस सिस्टम यह है काफी सस्ती होती है द मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर ऑफ दिस सिस्टम इज इट्स हंड्रेड परसेंट कवरेज ऑन द प्लैनेट ये सबसे एडवांटेज है हमारा कि जीपीएस मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि पृथ्वी पर आप कहीं भी चले जाओ तो कहीं भी आपको सैटेलाइट बराबर चार सैटेलाइट कम से कम देख रहे होंगे आपको तो कहीं भी इसका एक्सेसिबल है यानी जीपीएस सिस्टम आप पूरे ग्लोबल में कहीं भी यूज कर सकते हैं इसका मोबाइल का जैसा नहीं है कि भाई मोबाइल नेटवर्क के बाहर चले गया तो फिर मेरा जी पी का रिसीवर काम नहीं करेगा करके आप कहीं भी जाके उसको कर सकते हैं सो दैट इज द हंड्रेड परसेंट कवरेज एरिया ऑन द प्लैनेट दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू सर्च द नियर बाय रेस्टोरेंट होटल्स एंड गैस स्टेशन एज इट इज वेरी यूजफुल फॉर द न्यू प्लेस मैं जब नए जगह पे जाता हूँ और तो मैं कहीं जगह पे ऐसे कुछ चीजें जैसा कि गूगल मैप ने हमको आज ये फैसिलिटी दे दी गई है कि हम लोग वहाँ के नियर बाय रिक्रिएशन फैसिलिटीज नियर बाय हॉटेल्स नियर बाय लोकेशन हम लोग पता करते हैं और ये सारा होता है हमारा बिकॉज कि हम लोग नए एरिया में जाने के बाद में वहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ें कहाँ पर है ये हमें पता नहीं होती है तो नए एरिया में हॉटल का पता करने के लिए हम लोग जी का इस्तेमाल कर सकते हैं सो दैट इज़ अगेन वन ऑफ द एडवांटेज दैट यू कैन सर्च नियर बाय फैसिलिटीज़ वेयर दे आर अवेलेबल और अवेलेबल है कि नहीं ये भी हमें पता चल जाता है जी पी एस सो ड्यू टू इट्स लो कॉस्ट इट इज़ वेरी ईजी टू इंटीग्रेट विद द अदर टेक्नोलॉजीज लाइक सेल फोन और इसी वजह से आज जी टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती हो चुकी है कि हम लोग सिंपल हमारे मोबाइल फ़ोन में हर जगह पे वो अभी आ चुकी है द सिस्टम इज अपडेटेड रेगुलरली एंड हैंस इट इज़ वेरी एडवांस ये और एक एडवांटेज है जीपीएस टेक्नोलॉजी का कि जो हमारे सैटेलाइट्स है वो पुराने होने के बाद में नए सैटेलाइट्स और उससे भी ज़्यादा अच्छे कैपेबिलिटी वाले हम लोग छोड़ रहे हैं और हमारे सैटेलाइट्स का जो एर कैलकुलेशन का डाटा है वो भी अच्छे तरह से जनरेट हो रहा है तो ये सारा जो है ये अपडेट भी हो रहा है सो यू आर गेटिंग ए वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी एट यूर फिंगर टिप विद द यूज ऑफ द जी पी एस सो दिस इज अगेन द बेस्ट नेविगेशन सिस्टम इन द वॉटर एज इन द लार्जर वाटर बॉडीज वी आर ऑफन मिसलेट ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर डायरेक्शन समुंदर के अंदर नेविगेशन करने के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे क्योंकि आप किसी भी तरफ देखेंगे तो आपके चारों तरफ समुंदर होगा तो उस समय सबसे अच्छा नेविगेशन का तरीका जो पुराने ज़माने में हम लोग अलग अलग दीप स्तंभ बनाया करते थे या फिर किनारे किनारे से हम लोग ट्रैवल करके सोचते थे तो आज वैसी कोई करने की ज़रूरत नहीं रह गई है हमारे शिप के ऊपर जी रिसीवर के जरिए हम लोग पूरा नेविगेशन जो है अपने आप से बराबर ट्रैक कर सकते हैं पता कर सकते हैं और डिस्टेंसेस और ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती है बराबर तो ये सारा काम ये काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं कि जो आज के मॉडर्न इरा में हम लोग कॉमनली इस्तेमाल कर रहे हैं इसके यदि हम लोग कुछ डिसएडवांटेज या बोलेंगे या फिर उसको हम लोग लिमिटेशन बोलेंगे तो ये भी कुछ हम लोग चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं सो सेलुलर डिवाइस कैन ट्रैक द अदर सेलुलर डिवाइस यूजर्स ये एक प्रकार से डिसएडवांटेज डिसएडवाटेज हम लोग एक एंगल से बोल सकते हैं कि मैं कहाँ पे हूँ यदि मैंने मेरा जी ऑन कर दिया तो दूसरे जी जिस कोई भी व्यक्ति मुझे मेरा लोकेशन अपने आप से मेरा पता कर सकता है तो यानी एक प्रकार से प्राइवेसी जो है वो मैं नहीं रख सकता यदि मैं जीपीएस इस्तेमाल करता हूँ तो क्योंकि जीपीएस के वजह से मैं कहाँ जा रहा हूँ ये अपने आप से नेविगेट होते रहता है पता होते रहता है तो दूसरा यूजर मुझे पता कर सकता है कि मैं कहाँ पर रू करके देन इट इज़ नॉट वेरी चीप यदि हम लोग कमर्शियल पर्पज़ के लिए कुछ और कुछ एक्यूरेट uh, पर्पज़ के लिए साइंटिफिक पर्पज़ के लिए इससे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उस समय फिर आपको uh, जो ये सारा सर्वर की सर्विसेज वगैरह जो सब लेना है तो ये थोड़ा सा कॉस्टली भी Uh, हो सकती है तो इतना भी चीप वो नहीं है अभी पीपल फोकसिस ऑन द जी पी एस मोर देन द रोड बिकॉज देयर फॉर द एक्सीडेंट में ऑफ मेंकर तो ये भी एक सिचुएशन हो सकती है कि कार के अंदर नेविगेशन के लिए हम लोग यदि जी पी एस का रिसीवर हमने सामने लगाया है या फिर नेविगेशन का हमने ऐप <coughs> इस्तेमाल किया तो हमारा सामने रोड के ऊपर ध्यान रहने के बजाय हम लोग बार बार उसके वजह से देखेंगे और कभी कभी आपका ध्यान भटक सकता है और एक्सीडेंट भी हो सकते हैं तो ये भी एक ये है कि हम लोग वो जीपीएस के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो के उसके मैप को ज़्यादा रेफर करने लग गए तो सामने के रास्ते पे हमारा एक्सीडेंट हो सकता है तो यह भी एक डिसएडवांटेज हमारा हो सकता है इट इट शुड बी यूज एज बैकअप मैप बट यूज़ एट द फर्स्ट रिसोर्स तो इसीलिए नेविगेशन के लिए जी जो है वो कंटिन्यूस नेविगेशन के लिए इस्तेमाल करने के बजाय बीच बीच में हमने हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं रेफरेंस पर्पज़ के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं तो फिर हमारा ध्यान जो है वो जीपीएस पे नहीं रहेगा हमारा ध्यान जो हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं उसके अंदर बिजी रख सकते हैं हम लोग इट नीड्स द गुड केयर एंड हैंडलिंग ऑल्सो अब ये जी के लिए जो भी हमारे सेटेलाइट्स मेंटेन कर रहे हैं डाटा ग्राउंड स्टेशन हमारे काम कर रहे हैं रिमोट सेंसिंग काम कर रहा है तो इसके लिए भी तो हमको रख रखा मेंटेनेंस भी आता है सो दैट आल्सो दैट दो इट इज़ ए वेरी यूजफुल टेक्नोलॉजी लेकिन जीपीएस को मेंटेन करने के लिए भी हमें ध्यान में रखना होता है एंड इट आल्सो नीड्स द एक्सटर्नल पावर अब जीपीएस यदि आपको ट्वेंटी फोर बाय सेवन अवेलेबल करना है तो आपका रिसीवर आपको ट्वेंटी फोर बाय सेवन पावर सप्लाई लगेगा बैटरी पावर उसको लगेगी यदि आपके पास में जीपीएस का रिसीवर है सारी सिस्टम भी काम कर रही है लेकिन आपके रिसीवर में यदि बैटरी पावर खत्म हो गई तो आपका जीपीएस रिसीवर किसी काम का न, नहीं है एंड इट नीड्स द बैटरीज एज दे आर हैंडल्ड वंस तो वहाँ पर आपको ये सारा चीज़ भी करनी पड़ती है तो सैटेलाइट में तो हम लोग वहाँ पर सोलर पैनल्स इस्तेमाल करते हैं तो ये सारे जो है ये कुछ लिमिटेशंस बोलेंगे हम लोग ये जीपीएस के टेक्नोलॉजी के हमारे हो सकते हैं यहाँ पे समटाइम्स द जीपीएस में फेल ड्यू टू द सर्टन रिजन एंड दैट इन दैट केस यू नीड टू कैरी ए बैकअप मैप एंड द डायरेक्शन कभी कभी हम लोग धोखे से जीपीएस को डिपेंड होकर जीपीएस के हिसाब से हम लोग नेविगेशन करने चले गए और जीपीएस सिस्टम यदि बंद पड़ गई या आपका बैटरी बैकअप खत्म हो गया आपका रिसीवर खराब हो गया तो फिर आपका प्रॉब्लम हो सकता है तो ये भी एक कभी कभी संभावना होती है इफ यू आर यूजिंग द जी पी एस ऑन ए बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस देर में बैटरी फेल्योर एंड यू मे नॉट नीड टू बी एक्सटर्नल पावर सप्लाई विच इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल यदि आप जैसा माउंट एवरेस्ट पर जा रहे हैं तो वहाँ पर तो आपको वहाँ तक का जाने के लिए जितना समय लगेगा उतने दिन तक आपकी बैटरी पावर चलनी चाहिए तो आपको फिर एक्स्ट्रा बैटरी पावर भी ले जानी पड़ेगी ताकि आपका जी पी एस रिसीवर जो है वो पूरे आपके जो जो आपका आपने डिसाइड किया है वो सारे समय तक का वो जी पी एस हैंडसेट आपको आपको शुरू रख सकते हैं सो दैट थिंग्स ऑल्सो यू हैव टू मैनेज ये आप जी पी एस रिसीवर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको पर, सही तरीके से हमको मैनेज और बैटरी ऑपरेटेड रखने के लिए भी ध्यान देना पड़ेगा समटाइम्स द जी पी एस सिग्नल्स आर नॉट एक्यूरेट ड्यू टू द सम ऑब्स्टल्स टू द सिग्नल सच एज बिल्डिंग ट्रीज एंड समाइम्स बाय एक्सट्रीम एटमोस्फियर कंडीशन सच एज जियोमैग्नेटिक स्टार्प तो कभी कभी हमारे जीपीएस के सिग्नल जो है ये गलत भी हो सकते हैं बिकॉज देर आर सम हैपनिंग्स इन द एटमोस्फियर और उसके वजह से भी हमारे जी के लोकेशन में एरर आ सकती है एंड देन देर बिकॉज ऑफ दैट इट मे बी हैव ए पोजिशन फेल्यूअर और इनएक्यूरेसी तो ये दोनों प्रॉब्लम भी कभी कभी आते हैं लेकिन ये इतने बड़े मेजर प्रॉब्लम नहीं है कि इनएक्यूरेसी uh, uh, आ सकती है आपका जो लोकेशन आपने पता किया उसके अंदर और आपका पोजिशन फेल्यूर भी हो सकता है सो दीज आर द फ्यू डिसवेंटेज अब ये जो इतनी सारी टेक्नोलॉजी की हम लोग बात कर रहे हैं जीपीएस को हमने समझा इसके कई सारे एप्लीकेशंस है और ये सारे एप्लीकेशंस हम लोग डिटेल में अगले लेक्चर में यहाँ पर देखने वाले हैं तो एग्रीकल्चर एविएशन एनवायरमेंट मरीन पब्लिक सेफ्टी डिजास्टर रेलवे रिक्रिएशन रोड एंड हाईवे स्पेस सर्विंग एंड मैपिंग एंड टाइमिंग कैलकुलेशन ये सारे एरिया में जी का इस्तेमाल होता है अगले लेक्चर में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि ये सारे एप्लीकेशन हम लोग किस प्रकार से इस्तेमाल होता है अब सबसे जाते जाते हम लोग आखिरी में ये समझ लेंगे कि ये जी का लोकेशन हम लोग कैसे पता करते हैं तो यहां पे आपको पता चलेगा कि इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक ट्राई लिट्रेशन सो तो ये ट्री लिट्रेशन की वजह से हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू हमारा ये जो स्पीड ऑफ द लाइट इन टू टाइम ये हम लोग पता कर सकते हैं डिस्टेंस सो तो यहां पे रेट इज द स्पीड ऑफ द लाइट ये हमको पता है और टाइम इज द की ये हमने हमने टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे पता किया मैंने बताया आपको जैसा डिले कितना हो रहा है वो कैलकुलेट कर लिए तो कितना डिस्टेंस है सैटेलाइट से आपके रिसीवर का ये हमें पता चल जाता है सो so, हियर ये यदि पता चल गया तो यहां पे जैसा एक सैटेलाइट के रेंज में यदि आप है तो ये जो पहला सर्कल आपका बन रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं यदि आप दो सैटेलाइट के रेंज में आ गए तो ये मिनोपोलिस का एक दूसरा सर्कल बन गया तो ये इंटरसेक्शन एरिया आ गया इस एरिया में आप हो सकते हो यानी एक सैटेलाइट और दूसरा सैटेलाइट का सर्कल का इंटरसेक्शन एरिया फिर आप यदि तीसरे सैटेलाइट के रेंज में यदि आ गए तो ये बॉयस मिनोपोलिस और टक्सॉन इसके इंटरसेक्शन के जगह पे आप हो सकते हैं और इसको हम लोग डेनवर पॉइंट बोलते हैं तो इस प्रकार से तीन सैटेलाइट का इस्तेमाल करके आपका एक लोकेशन पता किया जा सकता है लेकिन अब आप इस लोकेशन पे किस ऊंचाई पर है वो भी आपको पता करना जरूरी है और वो पता करने के लिए फिर हमको ट्राई लिटरेशन यानी फिर चौथा सैटेलाइट हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा तब जाके आपकी पोजिशन जो है वो आपको पता चलेगी यदि हम लोग उसको टू डायमेंशनल में समझेंगे तो ये जो आपका सैटेलाइट है ये सैटेलाइट <coughs> ये सैटेलाइट आपको आपके अलग अलग लोकेशन को बता रहा है समझ लो अब ये जो लोकेशन है आपका ये लोकेशन के हिसाब से आपका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हम लोग यहां पर पता कर सकते हैं अब ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट यदि पता चल गया <coughs> तो हम लोग फिर आगे ये <coughs> यहां से ये एक हमारा सर्कल बन रहा है कि जो हमारे आ, रेंज के अंदर आ, <coughs> अलग अलग ऑब्जेक्ट को पता कर सकता है तो ये ये जो है ये लोकेशंस है हमारे जहाँ से हमारे ये कोऑर्डिनेट का हम लोग पता कर रहे हैं अब यहाँ पे यदि दूसरा सैटेलाइट के रेंज में यदि हम लोग आ गए तो ये सैटेलाइट का एक्स वाई कोऑर्डिनेट अलग है अब ये भी सैटेलाइट क्या करेगा ये अपने पाथ के हिसाब से अलग अलग ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पर यहाँ पर ढूंढने का तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो दो सैटेलाइट है दो सैटेलाइट ने हमारे ये जो एरिया है इस एरिया को आइडेंटिफाई किया अब तीसरा सैटेलाइट हम लोग यदि इस इस्तेमाल करते तो तीसरा सैटेलाइट यहाँ से गया तो एक सैटेलाइट इसका अपना जो डिस्टेंस का कैलकुलेशन के हिसाब से अपने रेंज के अंदर आपको पता कर रहा है एक दूसरा सैटेलाइट यहाँ से पता कर रहा है और तीसरा सैटेलाइट यहाँ से पता कर रहा है तो ये जो तीनों सैटेलाइट जहाँ से आपको ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं ये आपका जो है ये आपका हो जाएगा लोकेशन तो इसके हिसाब से जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट है वो हम लोग बराबर स्पेस में पता कर लेते हैं और जो आपका फाइनल लोकेशन है उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट यह है हमको यह पता चल जाता है तो किसी भी ऑब्जेक्ट का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पता करने के लिए आपको तीन सैटेलाइट की जरूरत है आपको उसके लिए तीन सैटेलाइट की जरूरत है तो तीन सैटेलाइट आपका बराबर कैलिब्रेशन करके आपका एक्स वाई डायमेंशन जो है वो आपका बराबर पता कर लेंगे यानी एग्जैक्टली आप कहां पर है ये आपको एक्स वाई यानी आपके मैप के ऊपर कहां पर है आपको वो पता चल जाएगा और बाद में फिर आपको आपका जो हाइट है स्पेस में वो क्या है वो पता करने के लिए हमको यहाँ पे फिर काम करना पड़ेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सैटेलाइट है इसका एक रेंज है ये रेंज के अंदर यदि आप आ गए तो ये सैटेलाइट आपके रिसीवर के साथ में कम्युनिकेट करेगा फिर हम लोग आगे जाएंगे तो यहाँ पे दूसरे सैटेलाइट के भी रेंज में आप आ गए तो फिर आप इस एरिया में कहीं तो भी हो ये हमको पता चल सकता है तो ये दो सैटेलाइट के रेंज में आप आ गए फिर यदि आप आगे जाते हो तो तीसरा सैटेलाइट भी आपको देख रहा है आपके रिसीवर से कनेक्ट हो रहा है तो फिर एक, एक ऐसा एरिया बन गया कि जो तीनों ग्लोब का ओवरलैप है उस एरिया में आप कहीं तो भी है ये पता चल सकता है तो टॉप व्यू में हमारे तीनों सैटेलाइट के हिसाब से हमारी पृथ्वी पर लोकेशन कहाँ है ये वाली लोकेशन तो ये हमको पता चल सकती है लेकिन ये लोकेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये यह कहीं भी हो सकती है इतनी ऊंचाई वाले एरिया में तो अब उसका जो चौथा लोकेशन है वो कहाँ पर है वो हमको पता करने के लिए और एक सैटेलाइट के रेंज में हमको आना पड़ेगा तो जब हम लोग चार सैटेलाइट के रेंज में आ जाते हैं तो फिर एक चारों का भी एक ऐसा इंटरसेक्शन पॉइंट बनता है कि जहाँ पे आप हो सकते हो और यही आपका लोकेशन है तो इस प्रकार से आप जीपीएस रिसीवर लेके कर जहाँ पर जा रहे हो आपको चार सैटेलाइट ट्रैक कर रहे हैं और ये चारों सैटेलाइट के जो अपने अपने रेंज बने वाली है इस ये रेंज का जो स्पीयर है ये स्पीयर जहाँ पर इंटरसेकट कर रहे हैं उस एरिया में आप हो सकते हो और यही आपकी फिर पोजिशन है तो यहाँ पर आपका एक्स और वाई लोकेशन और इसी के अलावा जेड लोकेशन यानी पृथ्वी के पृष्ठ भाग पे है आप या हवा में है ये भी आपको पता चल जाएगा तो इस प्रकार से हमारा चार सैटेलाइट का इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी वस्तु का ऑब्जेक्ट का लोकेशन अर्थ के ऊपर हम लोग पता कर सकते तो यहाँ पे हमारा जो है ये जो अलग अलग सैटेलाइट्स है ये अलग अलग आपकी जो लोकेशन है ये लोकेशन को आपको पता कर रहे हैं तो ये जो काम है ये हर सैटेलाइट बार बार कर रहा है यानी वो सिग्नल छोड़ रहा है और आपसे रिसीव आने वाले सिग्नल से पता कर रहा है कि आप कितने डिस्टेंस पे हैं और जब ये चारों सेटेलाइट सिंक्रोनाइज में काम करते हैं तो फिर उसका एक डाटा आपके रिसीवर में आता है और वो आपका लोकेशन आपको एक्स वाई जेड आपके सैटेलाइट के अंदर आपको मिल जाता है और ये सारा होता है ट्रिलिट्रेशन से यानी चार सैटेलाइट के जो स्पीयर है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट का पता किया जाता है सिस्टम द्वारा और उसका जो लोकेशन है फिर ये लोकेशन आपके रिसीवर में भेजा जाता है और वहीं पे आपको दिखता है कि आपकी अभी की लोकेशन करंट लोकेशन आपका लॉन्गिट्यूड लैटीट्यूड अल्टीट्यूड कितना है तो इस प्रकार से हमारा ये सारा काम चलता है अब इसके अंदर यदि हम लोग जैसा हमने डिसडवेंटेज की बात किए तो कुछ लिमिटेशन भी है जी के जहाँ पे यू मस्ट बी एबल टू सी द सेटेलाइट्स यानी आप सैटेलाइट के रेंज में हैं तो ही आपका जी काम करेगा ये भी एक लिमिटेशन हो गया यदि मैं घर के अंदर हूँ और मेरा जी पी हैंडसेट यदि सैटेलाइट से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है तो मैं जी का लोकेशन मुझे एक्यूरेट पता नहीं चलेगा तो फिर मुझे खुले में जाना पड़ेगा तब जाके मैं सैटेलाइट के रेंज के साथ में आऊंगा देन इट रिक्वायर्स पावर ऑफकोर्स जिसके पहले भी हमने देखा कि बैटरी पावर लगती है और इसके पहले हमने दो तीन प्रकार की एरर्स देखी तो वो एरर्स भी आ सकती है लेकिन आज इन सारे चीज़ों पे हमने सॉल्यूशन पा लिया है और ये सारे जो एरर है जो जो जीपीएस के कैलकुलेशन में आते हैं जैसा कि मल्टीपाथिंग uh, का एरर है फिर एटमॉस्फेरिक डिले है उसके बाद में पीडीओपी uh, है फिर क्लॉक का सिंक्रोनाइजेशन है ऑर्बिट के अंदर जो वेरिएशन आ रहा है या फिर हमारा जो रिसीवर है इलेक्ट्रॉनिक्स का उसके अंदर कुछ एरर आ सकती है वो रिलेटिविटी के कारण से एरर आ सकती है और जियोइड मोड मॉडल्स जो है उसके वजह से भी आपका ये सारा जो एरर्स है वो कुछ आ सकती है तो ये जो सोर्सेस है इसको आज हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो हमारा पी डी ओ पी है पोजिशन डायलूशन ऑफ द प्रिसीजन ये कैसे हो सकता है ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो हमारा जीपीएस का लोकेशन है वो एक्यूरेट कैसे किया जाता है तो आप यहां पर देखेंगे यदि आपका ये लोकेशन है आप यहां पर रिसीवर लेके खड़े हैं तो आप ये सैटेलाइट आपको इतने एरिया में आपको ट्रैक कर रहा है बराबर ये एरिया में आपको ट्रैक कर रहा है तो एक सैटेलाइट को पता चल गया कि आप यहां पर हो फिर इसी प्रकार से यदि आपका दूसरा सैटेलाइट यदि आपको देखता है तो यहां पे ये जो ये जो एक सैटेलाइट है वो आपको एक एक ट्रैक दे रहा था दूसरा सैटेलाइट दूसरा एरिया दे रहा था तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पहला सैटेलाइट और ये दूसरा जो सैटेलाइट है ये दूसरा सैटेलाइट और एक ट्रैक बना रहा है ऐसा अब ये जो ट्रैक है तो आपके ये दोनों ट्रैक का जो इंटरसेक्शन है वो आपकी पोजिशन आपको यहाँ पर पता चल रही है अब यदि हम लोग यहाँ पर तीसरा यदि एक ट्रैक देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो सैटेलाइट का ऑब्जर्वेशन है इतना एरिया था दूसरे सैटेलाइट का पास जो है वो इतना ऑब्जर्वेशन था तो मेरे ऑब्जर्वेशन में जो एरिया आ रहा है वो एरिया आ रहा है ये इतना वाला ये येलो वाला तो मैं ये इस एरिया में कहीं भी हूँगा तो भी मुझे दोनों भी सैटेलाइट देख रहे हैं तो उससे मुझे मेरी पोजिशन एक्यूरेट नहीं मिल रही है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे तो मुझे तीसरे सैटेलाइट की ज़रूरत पड़ेगी तो अब यहाँ पर मैं यदि तीसरा सैटेलाइट का इस्तेमाल करता हूँ तो फिर यहाँ पे मुझे और एक सैटेलाइट का इस्तेमाल करूँगा मैं तो फिर वो सैटेलाइट क्या करेगा कि ये सैटेलाइट मुझे यहाँ पर एरिया ऐसा ये एक पर्टिकुलर एरिया यहाँ पर फाइंड करके देगा तो यहाँ पर अपने को ये ध्यान में रखना है कि यदि आपका सैटेलाइट की जो लोकेशन है आपके ये लोकेशन यदि बराबर नहीं है तो भी आपके इसके अंदर लोकेशन में एरर आ सकती है यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि ये क्रॉस में है तो ये वाला और ये वाला इसका क्रॉस का एरिया इतना ही है तो इतने एरिया में आप कहीं भी होंगे तो आपकी लोकेशन एक्यूरेट आपको मिलेगी लेकिन इसके पहले केस में आपने देखा था कि एक लोग सैटेलाइट यहाँ पर उसके बाजू में दूसरा सैटेलाइट तो उसका जो एरिया है ओवरलैपिंग का एरिया वो बहुत ज़्यादा लंबा है तो वो लंबे एरिया की वजह से आपका जो पोजिशन है उसकी एक्यूरेसी गलत हो सकती है और ये सारा जो चीज़ है उसके लिए आप कौन से चार सैटेलाइट के रेंज में हैं ये भी इम्पॉर्टेंट ध्यान में मायने रखता है तो अभी मैं एक सैटेलाइट की वजह से एक पाथ दूसरे की वजह से दूसरा और तीसरे की वजह से इतना बेल्ट तो ये वाला ओवरलैपिंग एरिया है मेरा इस एरिया में मैं हूँ ये मैं पता कर सकता हूँ तो इस प्रकार से हम लोग एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए भी काम कर सकते हैं और अभी इस प्रकार से ये जो कंज्यूमर ग्रेड जीपीएस अभी मार्केट में आ चुके हैं सर्वे ग्रेड भी जीपीएस अलग से आता है जहाँ पे जो जीपीएस रिसीवर है वो पर्टिकुलरली सिर्फ सर्वे के काम के लिए एक्यूरेटली कैलिब्रेट किया होता है उसके अंदर उस प्रकार का जो डाटा सिग्नल्स है उसका डाटा भी अवेलेबल होता है और ये यहाँ पर हम लोग दो रिसीवर का इस्तेमाल करके भी हम लोग हमारे एक्यूरेट पोजिशन पता कर सकते हैं तो हमारा जो सर्वे के अंदर हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे हम लोग ऐसे कई सारे चीज़ों के लिए जो जीपीएस का डाटा है उसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं जैसा कि अर्थ के टाइट्स इसका पता करने के लिए उसका जो सब्सिडेंस है वो मेजर करने के लिए जो पृथ्वी की जो घूमने की गति है उसको मेजर करने के लिए भी और यहाँ पर हमारा जो पोस्ट ग्लेशियल रिबाउंड है वो कैसे है वो पता करने के लिए जियो कैचिंग के लिए और इमरजेंसी रेस्क्यू के लिए ऐसे कई सारे चीज़ें हैं कि जहाँ पे हम लोग ये जीपीएस जो है वो इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं तो आज के लेसन में हमने यहाँ पे जीपीएस टेक्नोलॉजी क्या है वो कैसे काम करती है कैसे सैटेलाइट से हम लोग इसका सारा ये टेक्नोलॉजी को हम चलाते ये सारी हमने जानकारी देखी और हमने थोड़े पैमाने पर कुछ समझा कि इसके क्या अप्लीकेशन हो सकते हैं तो अगला जो लेक्चर है हमारा इस लेक्चर में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं जी के क्या क्या एप्लीकेशन हमें है क्यों क्यों हम लोग इसको पढ़ रहे हैं वाई वी आर लर्निंग द जी तो ये अप्लीकेशन जब जी के हमें समझ में आएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमारे काफ़ी काम की है सो so, आज के लेक्चर में इतना ही दैट्स ऑल फॉर द टूडेज लेक्चर थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर थैंक यू